होंडा सिटी, एक ऐसा नाम जिसने इंडियन ऑटोमोबाइल सेगमेंट को सेडान्स की तरफ झुका दिया। 1998 में पहली होंडा सिटी लॉन्च हुई थी, उसके बाद से 2020 में हम इसका फिफ्थ जेन देख रहे हैं। आप फोर्थ जेन फिफ्थ जेन को आज इस वीडियो में कंपेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले एक्सटीरियर की बात करते हैं। डायमेंशन इस गाड़ी के इस सेगमेंट में इस समय सबसे ज़्यादा है। इसकी लेंथ है 4,553 mm और विड्थ है 1,748 mm, जो कि इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी इतनी लंबी और इतनी चौड़ी नहीं है। अब आते हैं एक्सटीरियर में सबसे सुंदर और सबसे स्लीक चीज़, इसके फुल LED हेडलैम्प्स। हमारे सामने समय ZX वेरिएंट खड़ा है और फिफ्थ जनरेशन का, और VX वेरिएंट खड़ा है फोर्थ जनरेशन का। इसकी फुल जो LED हेडलैम्प्स आते हैं वो बेस्ट इन क्लास हैं। इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में इतने सुंदर हेडलैम्प्स नहीं आते हैं। कमाल का थ्रो ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। मैं आप शूट नहीं कर पाया रात में, वरना आपको दिखाता। कमाल का थ्रो है, काफ़ी सुंदर स्लीक हेडलैम्प्स हैं, फुल LED है। उसके बाद आते हैं नीचे, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। गाड़ी में लेन वॉच कैमरा आता है, जो कि बेस्ट इन क्लास है, किसी भी गाड़ी में नहीं आता है। पीछे आते हैं गाड़ी के, तो 3D Z शेप LED टेल लैंप हैं, जो कि कमाल के सुंदर लगते हैं। BMW टाइप के ऐसे हेडलैम्प्स आपने BMW में देखा होगा। नीचे आते हैं गाड़ी के टायर्स में, टायर्स का साइज पुरानी वाली होंडा सिटी से बढ़ा है, 155/55 R16 हो गया मेरे ख्याल से। पुरानी वाली होंडा सिटी में 175/55 R16 आता था, लेकिन इसको 195 कर देती होंडा तो और ज़्यादा अच्छा होता। चलिए कोई नहीं, बेसिकली लगभग लोग होंडा सिटी अपग्रेड कर के टायर अपग्रेड कर देते 195/65 R16 में, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं इंटीरियर। सबसे पहले अपग्रेडेशन क्या है, अपग्रेडेड डिजीपैड। कमाल का रिस्पॉन्स इस डिजीपैड का है। होंडा सिटी में काफ़ी दिक्कत थी पुराने वाले डिजीपैड के साथ, काफ़ी हैंग होता था, काफ़ी इश्यूज आते थे लोगों को, लेकिन इस डिजीपैड के साथ किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। लेदर क्वालिटी गाड़ी की काफ़ी इम्प्रूव हुई है, पुरानी वाली गाड़ी से अच्छी खासी लेदर क्वालिटी इम्प्रूव है, लेकिन कहीं कहीं आपको पुरानी वाली गाड़ी के मुताबिक क्वालिटी थोड़ी चीप देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस पॉइंट में होंडा को कम्पीट करना था इस सेगमेंट में। अब आते हैं म्यूज़िक में, इस पर्टिकुलर डिजीपैड का म्यूज़िक सिस्टम कमाल का रिस्पॉन्स है म्यूज़िक सिस्टम का। वैसे पुरानी वाली होंडा सिटी का भी म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी अच्छा था, मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ कॉपीराइट इशू की वजह से, वरना मैं आपको सुनाता जरूर। काफ़ी सुंदर स्लीक स्टीयरिंग, छोटा सा अच्छा स्टीयरिंग, स्टीयरिंग कंट्रोल्स काफ़ी बढ़ चुके हैं इस समय हमारे पास। उसके बाद बेस्ट इन सेगमेंट फर्स्ट इन क्लास जी मीटर गाड़ी में मिला है, जो कि हाई एंड SUVs में आता है, लेकिन होंडा ने यह दिया है। हमारे पास इस गाड़ी में लेन वॉच कैमरा है, जैसे कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेन वॉच कैमरा एक अच्छा सिक्योरिटी फीचर है, बेस्ट इन क्लास है। इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं आता है। काफ़ी अच्छा सुंदर स्लीक एक्सटीरियर गाड़ी का आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफ़ी अच्छे सुंदर और स्लीक से, जिसको हम बोलते हैं मोशन ग्राफिक्स, शुरुआत से स्टार्ट होते हैं। गाड़ी जो वेलकम जिस तरह से करती है वो काफ़ी अच्छा देखने को लगता है। टेकोमीटर में जब आप रेव करेंगे, तो जैसे आप 1000 RPM पे से रेव करके 2000 RPM जाएंगे, तो 1000 RPM थोड़ा सा डिफ्यूज़ होगा और 2000 RPM थोड़ा सा ग्लो करेगा, जो काफ़ी सुंदर लगता है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपको काफ़ी कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, जैसे जी मीटर हो गया, टेकोमीटर हो गया, फ्यूल एफिशिएंसी हो गई, गाड़ी के कुछ कंट्रोल्स हो गए, सेटिंग्स हो गई, उसके बाद से इंटीरियर लाइटिंग आपको कैसे क्या सेट करनी है, ये सब मिल जाएंगे आपको। गाड़ी में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी एक फीचर देखने को मिलेगा। AC, होंडा का AC पहले भी बहुत कमाल आता था, आज भी होंडा का AC काफ़ी अच्छा है, तुरंत ही चिल्ड कर देता है। पहले लोगों को दिक्कत होती थी इसके टच AC से, लेकिन अब लोगों को होंडा ने एक फील, जिसको लोगों को नॉब से जो फील आती है, उस फील के साथ होंडा ने इस वाले होंडा सिटी में चेंज किया है। देखते हैं और पीछे से देखते हैं गाड़ी में क्या चेंजेस है। सबसे पहले मैं दिखा दूँ यहाँ पे जो पावर आउटलेट, इससे देखिए ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये
गाड़ी का। इसमें आजकल की सारी कंपनियां ऑफर कर रही हैं यूएसबी, तो होंडा को भी इसमें यूएसबी ऑफर करना चाहिए था, जो कि काफ़ी अच्छा हो सकता था। लेकिन इसमें वही 12 वोल्ट के सॉकेट दिए। ये तो अपनी फोर जन में भी आता था, सेम ही है, लेकिन काफ़ी अच्छा एसी काम करता है। होंडा होंडा अपने एसी के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं ये भी सारे जितने भी विंडोज हैं सारे ऑटो अप एंड डाउन है। मैं टॉप ट्रिम की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें ZX टॉप ट्रिम में बैठा हूँ। ठीक है, ये देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे सुंदर ये देखने लग सकते थे पहले ये सब। अभी तो ये मेरे ख्याल से LED हो गए, पहले ये सब हेलोजन आते थे। जैसे कि कर्टन मैंने दिखाया था आपको, पीछे के कर्टन के लिए आया गया है। अब जो स्पेस है गाड़ी में, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सॉरी इन सब के लिए, एक मिनट, स्पेस जो है वो पहले से थोड़ा अच्छा आ गया। तीन सीट बेल्ट प्रॉपर दी गई हैं सबके लिए, एक एक। हेडरेस्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, बेसिकली हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे होंडा के साथ, ये दिक्कत थी कि होंडा के लास्ट फोर्थ जनरेशन में ये बिल्कुल नीचे चला जाता था, ये कहीं यहाँ पे रुकता तो काफ़ी अच्छा देखने में लगता। और ये काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है, पहले से थोड़ा सा फैब्रिक में चेंज आया है, पहले से लेदर अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है। ये जो काफ़ी टाइट है, ये इसकी हिसाब से देखें तो ये काफ़ी टाइट है। उसके बाद फ्लोर हम्प की बात करें, फ्लोर हम्प पहले से निश्चित तौर पर कम हुआ, लेकिन सेडान है तो फ्लोर हम्प की कोई वो तो होना ही है। अब बात करते हैं स्पेस की, कमाल का स्पेस ऑफर करती है गाड़ी, कमाल का स्पेस ऑफर करती है, चाहे हेडरूम हो चाहे फिर लेग रूम हो। पुरानी वाली फोर्थ जेन होंडा सिटी से फिफ्थ जेन होंडा सिटी में क्या क्या ड्राइविंग में चेंज है, इसको मैं आप सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पुरानी वाली होंडा सिटी थोड़ी सी बाउंसी थी आगे भी, ये बिल्कुल भी बाउंसी नहीं है। पीछे थोड़ा सा जरा सा है, वो भी ठीक हो सकता था, लेकिन इसकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, गाड़ी में आप किसी भी गियर में पावर की अगर डिमांड करते हैं तो गाड़ी आपको तुरंत पावर देती है। 2000 RPM के पास थोड़ा सा आपको लैग दिखेगा, लेकिन वैसे कोई इशू नहीं है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे चलाने में। उसके बाद NVH लेवल, गाड़ी के NVH लेवल काफ़ी अच्छे हैं, पुरानी वाली होंडा सिटी से तो काफ़ी अच्छे हैं। आप 2000 RPM पे 3000 RPM पे कहीं भी गाड़ी को लेके जाते हैं, किसी भी तरह के कोई नॉइज़ नहीं आता। नॉइज़ जो आता है वो फील, इंजन का फील आता है, किसी तरह कोई नॉइज़ आपको गाड़ी में नहीं देखने को मिलेगा। गाड़ी की माइलेज की बात करें, माइलेज गाड़ी मुझे, मेरी पुरानी फोर जन होंडा सिटी जो थी वो मुझे शहर में देती थी 9 से 10 का, ये मुझे शहर में दे रही थी 12 का। ये एक टेस्ट ड्राइव व्हीकल है जिसको हर आदमी चलाता है अपने तरीके से, कोई बुरा चलाता है कोई अच्छा चलाता है, लेकिन उसके बाद भी ये गाड़ी 12 का माइलेज दे रही थी मुझे, जो मुझे काफ़ी अच्छा देखने में लगा। अब गाड़ी की बात करते हैं गाड़ी की हैंडलिंग की, किसी भी तरह की हाई स्पीड हैंडलिंग हो, हाई स्पीड स्टेबिलिटी हो, 100 के भी ऊपर आप गाड़ी जाएंगे तो किसी तरह कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है इस होंडा सिटी में। तो अब आते हैं अपने वर्डिक्ट पे, क्या आपको अपनी पुरानी वाली होंडा सिटी बेच के फिफ्थ जेन होंडा सिटी लेनी चाहिए? तो जी देखिए, सबसे पहले गाड़ी थोड़ी सी लंबी थोड़ी सी चौड़ी हुई है, लेकिन उसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि बिल्कुल से आप अपनी पुरानी वाली होंडा सिटी बेचने पर मजबूर हो जाए ये लेने के लिए। कुछ कुछ चीज़ें इसमें अच्छी आई हैं पुरानी वाले होंडा सिटी से, कुछ कुछ अपग्रेड्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसा कुछ इसमें अपग्रेड नहीं है कि आपको वो डील ब्रेक करनी ही पड़े। या ये भी कह सकते हैं आपकी उस गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत थी ही नहीं, मेजर प्रॉब्लम, जिससे आप अपनी गाड़ी बेच के दूसरी गाड़ी पे जाना चाहें। तो आप सोचिए, अगर आपको इस सेगमेंट की कोई और गाड़ी लेनी है तब तो होंडा सिटी पेट्रोल आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको चेंज नहीं करना, आप अपनी पुरानी गाड़ी के साथ ठीक हैं, तो नई गाड़ी लेने का, फिफ्थ जेन गाड़ी लेने का कोई ऐसा मतलब बनता नहीं है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करके कमेंट में लिखिएगा जरूर कि वीडियो पसंद क्यों नहीं है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।